नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली कंफ्यूज्ड डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए है, या ये उन डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए है जिनकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकनिंग पहले हो जाती है, उनकी डिवाइन फेमिनाइन से अवेकनिंग पहले हो जाती है। तो ऐसे जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और उनको ये लगता है कि पता नहीं मैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हूँ। कुछ ऐसे डीएम्स हैं कि उन्हें ये लगता है कि क्योंकि उनकी अवेकनिंग पहले हो गई है तो वो डिवाइन फेमिनाइन हो गए और उनकी जो वो ट्विन है वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें ये कुछ एक फिक्स नहीं है कि किसकी अवेकनिंग पहले होगी, कि डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन पहले होंगे या डिवाइन फेमिनाइंस पहले अवेकन होंगी। ये डिपेंड करता है उनके कर्म पे, ठीक है। जिसके कर्मास ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे, पीछे से कर्मा क्लियर हो चुकी होगी, कर्मा क्लियरिंग, तो उसकी अवेकनिंग पहले हो जाएगी। और जिसके कर्म अभी क्लियर नहीं होंगे, उसको कुछ कार्मिक साइकिल्स और कार्मिक लेसन्स लर्न करना बचे होंगे तो उसकी अवेकनिंग बाद में होगी, क्योंकि जब तक वो अपने कार्मिक जो डेप्ट हैं, कार्मिक जो उसके अकाउंट्स हैं वो बैलेंस करेगा या करेगी, या जो उसकी कार्मिक साइकिल्स हैं वो तोड़ेगा या तोड़ेगी, या कार्मिक लेसन्स हैं वो लर्न करेगा या करेगी, ठीक है, जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होगी। तो अगर आपकी पहले अवेकनिंग हो गई है तो ये मैटर नहीं करता कि आप डीएफ हैं या डीएम हैं। बस ये समझ लीजिए, अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है तो अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इनर वर्क स्टार्ट करें। और बस आपको यही करना है, इनर वर्क करना है, क्योंकि हम जानते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी ये मिरर की जर्नी है। आप जो यहाँ करेंगे वो वहाँ होगा। अगर आप यहाँ इनर वर्क करके अपना असेंशन करेंगे, अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो वहाँ पे जो आपका ट्विन है वो भी आपकी एनर्जी को मिरर करेगा और उसकी भी लाइफ में क्या होगा, वो जल्दी जल्दी अपने लेसन्स लर्न करेंगे और उनका भी कॉन्शियस लेवल एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो आप चाहे डीएफ हो चाहे डीएम हो, अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी जो ट्विन है उसकी अवेकनिंग हुई या नहीं हुई या कब होगी, क्योंकि आप अवेकन हैं, आपको सच पता है क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। तो फिर आप ये लो वाइब्रेशन में मत रहिए ह्यूमंस के, कि पता नहीं मेरे ट्विन की कब अवेकनिंग होगी, वो हुआ अवेकन या नहीं हुआ, मैं डीएफ हूँ या डीएम हूँ, ये बहुत ही ह्यूमन लोअर वाइब्रेशन है। ये सब छोड़ के बस आपको जैसे ही पता चले कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम अवेकन हो गए हैं, जब आपको सब चीज़ें समझ में आने लगे बियॉन्ड 3D लेवल पर, तो फिर आपका बस यही काम बचता है कि आप इनर वर्क स्टार्ट करें। इनर वर्क के बाद आप शेडो वर्क करें। और इसमें अगर ये तो दो पार्ट हो गए, इनर वर्क और शेडो वर्क, और इसमें इनर वर्क और शेडो वर्क का मेन मोटिव क्या होता है, वो होता है इनर बैलेंस। अब इनर बैलेंस जो है, इनर बैलेंस वो दो पार्ट में हो गया, ठीक है। इनर बैलेंस अब आपको किस किस चीज़ में करना है, तो पहला तो अपन देखेंगे इनर बैलेंस क्या। पहला ये आपको अपने जो इनर मैस्कुलाइन एनर्जी है और इनर फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस करना है। ये तो हम सब जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन और लॉजिक वाली बात है कि हम लोग जो बने हैं वो अपने माता पिता से बने हैं, हम लोग बने हैं पुरुष तत्व से और स्त्री तत्व से। तो क्या कुछ, जैसे अगर मैं महिला हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो मुझ में जो स्त्री तत्व होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा बजाय पुरुष तत्व की। और जो अगर मेरा भाई है या कोई भी लड़के हैं, पुरुष हैं, उनमें पुरुष तत्व ज़्यादा एक्टिव होगा कंपैरेटिव टू महिला तत्व। तो हम लोग ये क्या कॉमन ह्यूमंस हो गए जो सबके साथ होता है, तो हमको क्या करना है, इस दोनों तत्वों को बैलेंस करना है, पुरुष तत्व और महिला तत्व को, ठीक है। ये हो गया वन पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, हम लोग को अपने अंदर का लाइट साइड और डार्क साइड बैलेंस करना है। लाइट साइड मतलब ये होता है जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सोच समझ है, जो हमें पता चलता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमें धर्म पर सिखाता है, अच्छे कर्म सिखाता है, वो हो गया हमारा लाइट साइड। और डार्क साइड वो होता है, हर किसी के दिमाग में डार्क साइड होता है, जो उसको बुरा होता है वो। जो डार्क साइड मतलब कि उसका लाइट का ऑपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो दूसरा वो बुरा करेगा। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट साइड चाय पीता है तो डार्क
साइड चाय नहीं पिएगा। अगर लाइट साइड को कोई खाना अच्छा नहीं लगता, तो अगर लाइट साइड फॉर एग्जांपल आपका नॉन वेज नहीं खाता, तो डार्क साइड को नॉन वेज अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये लाइट और डार्क साइड है, इन दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। तो बस जैसे ही आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आपको दो काम करने हैं। वो किसके थ्रू करेंगे आप? इनर वर्क और शेडो वर्क के थ्रू आपको दो काम करने हैं। अपनी इनर मैस्कुलाइन, इनर फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करनी है, और अपना जो लाइट साइड है और डार्क साइड है वो बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये कोई जेंडर की जर्नी नहीं है। कोई जेंडर से आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ये जर्नी एक मिरर जर्नी है और एनर्जी की जर्नी है। जो आप यहाँ एनर्जेटिकली अपनी वाइब्रेशन रखेंगे, वो ही मिरर इमेज में आपके ट्विन की वाइब्रेशंस रहेंगी। जो आप यहाँ कर्म करेंगे, उस कर्म का असर आपके ट्विन पर भी पड़ेगा। बस अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना जो टाइम और एनर्जी है वो अपना खुद का इम्प्रूवमेंट और अपना इनर वर्क करने में लगा रहे हैं, या सिर्फ इसमें लगा रहे हैं कि इस वक्त मेरा ट्विन क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, उसकी अवेकनिंग हुई है या नहीं। तो ये आपका टाइम और एनर्जी है, ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। ये खासकर कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन से जो कंफ्यूज हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली वीडियो है, पर ये वीडियो हर किसी के लिए अप्लाई होता है, जो भी ट्विन्स हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे वो डीएम्स हों चाहे डीएफ हों। आपकी अवेकनिंग हो गई है, तो बस आपका काम बचता है इनर वर्क, शेडो वर्क एंड, और आपको अपने कंप्लीशन पर पहुँचना है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।